क्रॉम्पटन क्लासिक 15 लीटर्स के इस इलेक्ट्रिक गीजर के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। यह जो गीजर है, इस गीजर के बॉक्स में हमें इनलेट आउटलेट का पाइप देखने को मिलता है या फिर नहीं, इस गीजर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कितना देर में यह पानी गर्म करता है, कितनी डिग्री सेल्सियस तक यह पानी गर्म कर पाता है और कितने देर तक गर्म पानी स्टोर करके रखेगा, ये सारी चीज़ें आपको अगर जाननी है तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखते रहिएगा। और अगर आप इस गीज़र को बाई करना चाहते हैं तो यह गीज़र आपको ऑनलाइन ही काफ़ी सस्ते में मिलेगा, जिसको कि बाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के टाइटल पे आप क्लिक करेंगे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप इस गीज़र को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आपको यह गीज़र सस्ते में मिल रहा है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ फोटोज़ क्लिक किया आपको दिखाते हैं और इस गीज़र के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बता देते हैं। दोस्तों, यह जो 15 लीटर का इलेक्ट्रिक गीज़र है क्रॉम्पटन का, इसमें आपको 5 से 7 घंटे तक पानी गर्म स्टोर करके आप रख सकते हैं इस गीज़र में, पानी गर्म होने के बाद। और पानी जो है वो गर्म होने में लगभग 8 से 10 मिनट का ही समय लगाता है, जो कि बहुत ही जल्दी इस गीज़र में पानी गर्म हो जाता है। और साथ ही में इस गीज़र में जो इसका हीटिंग एलिमेंट है वो कॉपर का यूज़ किया गया है, जिससे कि हीटिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से हो पाती है पानी की और काफ़ी जल्दी हो पाती है। इस गीज़र में आपको ऑटो कट ऑफ का फीचर देखने को मिलता है, जिससे कि आपका जो बिजली बिल है वो काफ़ी ज़्यादा कम आएगा, क्योंकि जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा ये लाइट को ऑटोमेटिकली कट कर देगा गीज़र में से। और इस गीज़र को आप यूज़ करते हैं तो लगभग 250 से 300 रुपये के आसपास आपका महीने का बिजली बिल बढ़ेगा। इस गीज़र को डेली अगर आप यूज़ करेंगे तो महीने का बिजली बिल आपका इतना आएगा। इस गीज़र में आप 70 से 75 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म कर सकते हैं 8 से 10 मिनट के अंदर में। इस गीज़र के इंस्टॉलेशन की बात करें तो आप खुद ही इस गीज़र के इंस्टॉलेशन को करा सकते हैं, 200 से 300 रुपये लगेंगे मार्केट प्राइस आपको इतना लगता है गीज़र को इंस्टॉल कराने में, तो यदि आपको खर्चा होगा। गीज़र के बॉक्स में आपको इनलेट आउटलेट वाला पाइप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गीज़र जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि दूसरे ब्रांड जो होते हैं, नए नए ब्रांड आए हैं आजकल मार्केट में, जो कि पाइप भी दे देते हैं साथ ही में स्क्रू वगैरह भी दे देते हैं और इंस्टॉलेशन का भी करा देते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है। लेकिन यह जो क्रॉम्पटन है, इसका प्रोडक्ट में ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दम है और यह प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा चलता भी है। इस वजह से जो है ना, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें खुद एडजस्ट भी करनी पड़ेंगी, नहीं तो अगर ये सारी चीज़ें भी ऐड करते हैं इंस्टॉलेशन और साथ ही में इसके पाइप्स वगैरह, तो इसका प्राइस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता। इसलिए यहाँ पर प्राइस को कट करने के लिए ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। बात करें इस गीज़र के वारंटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है इस गीज़र में। कोई भी ख़राबी हो तो क्रॉम्पटन के कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपके घर पे बंदे आकर के 2 दिन के अंदर में गीज़र को ठीक कर देंगे। साथ ही में इस गीज़र की बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और इस गीज़र में काफ़ी लंबे समय तक, मान यानी कि 5 से 7 घंटे, इवन कहे तो 8 घंटे तक भी पानी जो है वो गर्म स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो ओवरऑल यही था इस गीज़र के बारे में। डेफिनेटली आप इस गीज़र को बाई कर सकते हैं, इसको बाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करिए और इस गीज़र को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे। दुकान में 400-500 रुपये आपको महंगा मिलेगा, ऑनलाइन आपको सस्ते में मिल रहा है, लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।